समझाऊं दूसरे व्यक्ति ने नहीं समझा है। मैं तो सही चलता हूँ, दूसरे लोग गलत चलते हैं। मेरे को तो ज्ञान का बहुत निश्चय है, पर सोचने वाली बात ये भी है, भले कोई दूसरा भी ज्ञान सुन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कर्म उसको अशांत करके बैठे हूँ। क्योंकि ज्ञान से तुमने तो कहा मुझे पावर आ गई, पर तुम्हारी पावर दूसरों का सिर दर्द तो नहीं है? कभी कभी लगता है कि दूसरा व्यक्ति ज्ञान भी सुनता है फिर नाराज़गी भी प्रकट करता है, तो ऐसा तो नहीं हमारे कर्म ही उसको मजबूर करते हो नाराज़ होने पे? ऐसा तो नहीं हम किसी को इग्नोर करने लगे हैं? ऐसा तो नहीं कि हमने किसी का मान शान घटा दिया हुआ है? तो अगर ऐसे में अगला अशांत होता है तो ये आपका दोष माना जाएगा। आप अगले को ज्ञान का उपदेश देने से पहले अपने आचरण को चेक करिए। ये बात सत्संग सुनने के बाद हर एक को समझनी है कि किसी को भी हम कटाक्ष करें, उससे पहले ज़रूर हम अंतर्मुख हो के अपने आचार विहार को चेक करें। जब एक कुशल ड्राइवर भी गलती कर सकता है, तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया तो श्योर नहीं हो जाना चाहिए कि मेरे से तो गलती होती ही नहीं है। अगर यही गलती भरत ने ना की होती तो दो जन्म धारण ना करने पड़ते। उसने सबसे बड़ी ये मिस्टेक करी थी कि अपने आप को नहीं जांचा, ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखना, कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस तबाहियां करता है। जब ड्राइवर को ओवर कॉन्फिडेंस है तो एक्सीडेंट करेगा, बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस है पढ़ेगा नहीं, अगले दिन इम्तिहान का पर्चा देखेगा घबराहट होएगी, फेल होएगा। सत्संग सुनते सुनते ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपके आचरण में गलतियां शुरू हो जाती हैं। हर कदम पर सोच विचार आता है क्या मन में अहंकार? हर कदम पर सोचना है ये मेरी ईगो है या मेरा ज्ञान है, पहचान करनी है। पहले हम पहचान करना नहीं चाहते, अपनी ईगो को माइनस नहीं करना चाहते और बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। बातों से ज्ञान कभी सिद्ध नहीं होता है। हम तुमको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताएं जो भगवान ने हमें बताई थी। बोले कोई सत्संगी भी मेरे से शिकायत करता है, एक मिनट के लिए हम ज़रूर विचारते हैं, उसके बाद कुछ कहते हैं। मान लो कोई कहता है मुझे लगता है आप मुझे प्यार नहीं करते, तो भगवान कहते थे हम पहले एक बार सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये इग्नोर हो जाता हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा ध्यान ना जाता हो। अगर ऐसा होता था तो उनका जवाब होता था अच्छा आगे से ध्यान रखेंगे, तुम भी ध्यान रखना हम भी ध्यान रखेंगे। और कहीं बहुत करने के बाद भी अगला शिकायत कर रहा है उसका स्वभाव है, फिर उसकी मरम्मत भी कर देते थे, सही भी करते थे। जब इतनी बड़ी ऊंचाई पे आके, इतने बड़े ओहदे पे आके वो भी एक बार जांच सकते हैं, तो हमको जांचने में क्या नुकसान है? ज्ञान का उपदेश देना सच में सबसे सरल काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे, ये भी ध्यान रख लेना। अंधे का लालटेन नहीं रखना है ज्ञान के बाद, कि अंधा जो है वो लालटेन रख के बैठा है। लोग कहते हैं तू तो देख नहीं सकता, लालटेन किस लिए रखी है? कहते हैं दूसरों को रास्ता दिखाता हूँ। ये काम नहीं करना। आज आपके घर में बड़े लोग हैं, कुछ है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई आचरण गलत करता है उसको टोकना भी हमारा धर्म नहीं है, भले वो ज्ञान क्यों ना सुनता हो। ये भी ध्यान रखना है, मर्यादित आचरण किसको कहते हैं? हम बड़ों को उपदेश दे रहे हैं यानी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं।
समझो आज यहाँ पर सास बहू कोई आए सत्संग सुनने, सास ने किसी बात के लिए थोड़ा कुछ कह दिया, अब बहू बैठ जाए, रोज सत्संग क्या सुनती हो, क्या फायदा सत्संग जाने का, तो तेरा क्या फायदा सत्संग आने का, तुम अपनी गलती मानो, अगले को सॉरी बोलो और अपने को बदलो। एक भी शब्द ज्ञान का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है, ज्ञान सारा अपने मन को सुनाने के लिए है, दूसरों को सुनाने के लिए है ही नहीं। मैं इसको सुनाऊं, मैं इसको बताऊं, ये बदले, ये ज्ञान सुन के भी नहीं बदल रहा, इसके अंदर इच्छा बहुत है, इसके अंदर ईगो बहुत है। तो अगर उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर अहंकार है, तेरी टकराहट क्यों है? मान लो, ये दृष्टांत सुने हैं ना कई बार, मैं मूर्खों को रास्ता नहीं देता, बोला मैं दे देता हूँ, ये खाली कानों का रस बनाया हुआ है ज्ञान, सुन लिया सुना लिया। उपदेशक मत तैयार होना, आचरण करना। दादाजी बोलते थे, अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है। जो अभ्यास नहीं करता खुद और उपदेश करना चाहता है, मूर्ख व्यक्ति है। उपदेश किस लिए? कैसा भी आचरण करे कोई, तुम अपने को एडजस्ट करने के बजाय अगले को मोड़ना चाहते हो अपने सुख के लिए। तुम्हारी धारणा क्या है? विचार करके देखो। कभी कभी एक बड़े व्यक्ति के जिस स्वभाव की हम शिकायत करते हैं, हमारा बच्चा भी तो वो शिकायत जिद करता है कभी कभी, क्या उसको हम इच्छा कहते हैं, उसका अहंकार कहते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, उसको ज्ञान से तौलते हैं? नहीं, बच्चे को प्यार से मना लेते हैं। इसी तरह से चाहे कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, ज्ञान सुना हुआ हो, अगर वो कोई बात पॉइंट आउट कर रहा है, तुम्हारा पार्ट नम्रता का होना चाहिए, या ज्ञान बोलना सीख जाओ, गली का कुत्ता नहीं बनना है। जरा सी आवाज हुई और उसने भौंकना शुरू कर दिया, ऐसा स्वभाव नहीं बनाना है। जहां जरा सी बात हुई, उठाया ज्ञान का डंडा और दे मारा सामने वाले को, ज्ञानी ऐसा ज्ञानी। तुमको किसने बताया? तुम सारा जो ज्ञान बोलते हो, तुम्हारे मन घड़त ज्ञान ही तो है। गुरु ने बताया तुम्हें कि तुम ऐसे होने चाहिए, तुम ऐसे बोल सकते हो, किसी को बताया गुरु ने तुम्हें? मन घड़त ज्ञान बनाया हुआ है। जहां जिससे कंफर्टेबल नहीं होता, वहां ज्ञान सुना के अगले को बदलना चाहते हो। पर दुनिया ना बदले, अब दुनिया में ज्ञानी भी आ गए, अज्ञानी भी आ गए, पता नहीं ज्ञान विचारते नहीं हो तुम लोग, क्या बीमारी है? जब एक वर्ड में बात खत्म कर दी, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। अब दुनिया में ज्ञानी अज्ञानी सारे आ गए, बात खत्म। तुम्हें अपनी ईगो खत्म करनी है, तुम दूसरे की ईगो खत्म करने में लगे रहते हो सारा दिन, ये ऐसे करता है, ये ऐसे कहता है, तो क्या हुआ, तुम मुड़ जाओ। ये भी तो देखा जाता है ना, कहां पर कैसी स्थिति है। अगर हमसे बड़े लोग हैं, वहां हमको ही अपने को झुकाना है। ज्ञानी तो छोटों के आगे भी झुक जाता है, हाँ, पर कहीं कहीं अगर किसी का गलत व्यवहार बहुत होता है, तो गुरु अलाउ करता है थोड़ा तुम आवाज उठाओ, अदरवाइज ज्ञान क्या कहता है तुम्हें। जरा जरा सी बातों में जब हमारा स्वभाव निकलता है अपना, अब देखो तुम्हारे स्वभाव ने कपड़ा बदल लिया है, स्वभाव तो वही है, लेकिन उसको ज्ञान की फॉर्म में बोलते हो। अब पहले तू तड़ाक कर लेते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, अब आप अगले को ज्ञान सुनाते हो, आपकी तो ठंडक पड़ गई, इधर आपने कह दिया जो कहना था, घुमा घुमा के ज्ञान के शब्दों में उसको चुप कराना एम था, करा दिया। लेकिन ये याद रखना
ये आपका बड़प्पन नहीं है, आपका वही अज्ञानता वाला स्वभाव है। खड़े आप उसी निचाई पे हो, भले ज्ञान बड़ा बड़ा बोल रहे हो। अगर पक्षी के पंखों पे ज्ञान लिखा था और विष्ठा लगी हुई थी उसकी चोंच पर, युधिष्ठिर ने क्या बोला? ये कलियुग है। कलियुग की स्थिति है जहां बोलने के लिए ज्ञान बहुत सारा होगा लोगों के पास, लेकिन व्यवहार कलंकित होगा। बोलने के लिए एक शब्द ना हो पर आचरण इतना अच्छा हो कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले, मेन बात तो ये है। और ये तुम याद रखना, भगवान ने सबके घर में एक एक उल्टा चलने वाला व्यक्ति बिठाया हुआ है। अब उसको नौकर मत कहना, बड़े राम तीर्थ बन गए तुम, उल्टा चलने वाला नौकर रखा हुआ है भगवान ने मेरे घर में, नहीं, एक परीक्षक बिठाया है, एक भगवान बिठाया है तेरे घर में कि देखें तेरी ब्रह्म निष्ठा कितनी पक्की है। क्योंकि नौकर अगले को कह दो ना, उल्टा चलने वाला नौकर, इसमें भी ईगो सेटिस्फाई होती है, संतुष्टि मिलती है। उल्टा चलने वाला नौकर है तो नौकर ना, फिर एहसान है कि ये उल्टा चलता है, मैं सीधा चलता हूं। नौकर नहीं है वो, भगवान है। एक तो जो शब्द इस्तेमाल करो तुम लोग वही पकड़ के प्रैक्टिस शुरू कर देते हो। अब राम तीर्थ की बात बता दी, उल्टा चलने वाला नौकर, मेरे घर में भी उल्टा चलने वाला नौकर है एक नौकर, चाहे वो पति हो सास हो, तुमने नौकर बना लिया उसको, उल्टा चलने वाला नौकर है मेरे घर में एक नौकर है वो। भगवान कब देखोगे नौकर देखोगे? तो वो तो उसके घर में घटना हुई तो एज इट इज तुम्हें बता दी जाती है। अब तुम झट पकड़ लेते उल्टा चलने वाला नौकर है। पहली बात तो ये है वो नौकर नहीं है। दूसरी बात, तुम कैसे कह सकते हो वो उल्टा चल रहा है? तुम्हें क्यों फील हो रहा है वो उल्टा चल रहा है? क्योंकि तेरे अकॉर्डिंग नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारा हुआ अगले का हुआ? जब तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तुम कह रहे हो वो उल्टा चल रहा है। उल्टा कहाँ चल रहा है? वो तो सही चल रहा है, तेरे मन का अहंकार उल्टा है, तेरा स्वभाव उल्टा है। तुम अपने स्वभाव को सही करो ना, दूसरे को उल्टा कैसे कह रहे हो? ये यही तो कमियां रह जाती हैं, तभी हमारी आत्मनिष्ठा नहीं होती। क्योंकि जीव भाव के स्वभाव हम कहीं ना कहीं बचाते रहते हैं। भगवान बोलते थे तुम अपने अहंकार को सेव करते हो और सेफ भी करते हो। गुरु भी मारने लगता है, 10 दलीलें दे दोगे ताकि गुरु मेरे अहंकार को ना मारे, बचा के ले जाते हो वापस। ज्ञान कहाँ से चलता है, मन तुम्हारा कहाँ से उठाता है? विक्षेपता क्यों आती है? कभी सोच के देखो, तुम्हें किसी से विक्षेपता क्यों है? अगर तुम ज्ञानी हो, अगले का स्वभाव वही होने दो, तुम्हें शांति आ जानी चाहिए थी अब तक। पर आके हमारे पास भी शिकायत करते हैं, हमारे घर में एक व्यक्ति है, फलाना है, हम उससे उलझे हुए हैं। फिर हम चार बातें समझाएंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, हमारे घर के सारे ही तंग हैं उससे, तो सारे तेरी जैसी सोच वाले होंगे, उसमें क्या? मतलब तुम अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करते हो ना, भाई इन्होंने तो मुझे ही गलत कहना शुरू कर दिया, मुझे ही समझाए जा रहे हैं। तो फटाफट अगला वर्ड होता है, हमारे घर के सारे ही दुखी हैं उससे, असल में ना कोई भी उससे सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब तुम सारे मूर्खों का घर है कि तुम इतने सारे बच्चे मिलके, बेटे हो बहुएं हो, और एक बड़े व्यक्ति को, एक सास को प्रसन्न नहीं कर सके तुम। इसका मतलब तुम सारे बेवकूफ हो। अब तुम कहोगे हम सारे उससे दुखी, हम कहेंगे वो बेचारा धन्य है तुम जैसों को सह के बैठा हुआ। ये क्यों नहीं सोचते हो तुम, ये क्यों नहीं विचार आता?
क्योंकि ज्ञान तुम्हें थोपने की बीमारी है। जो मिल जाए उस पे थोप दो। होली के दिन क्या करते हैं, जो मिल जाए उसी पे रंग डाल दो, पानी अपने पे तो डालना आता ही नहीं, दूसरों पे डालो। अब मिल गया ज्ञान, थोपो, इस पे भी थोप दो, इस पे भी। और सारा दिन एक तराजू है तुम्हारे हाथ में, ये अज्ञानी वाली रहते है, ये ज्ञानी वाली रहते है, ये ज्ञानी है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सत्संग जाता है तो ये नहीं करना चाहिए। क्या तुझे तौलना चाहिए? सबसे बड़ा पाप है किसी के पाप और पुण्य तौलना। सबसे बड़ा पुण्य है किसी के पाप और पुण्य ना तौलना। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है जो हम सारा दिन तराजू लगा के बैठे हुए हैं, तौलें ये तौलें वो तौलें, सारा दिन तुलनात्मक रवैया क्यों है? क्यों देखना किसी को? हम तो नहीं देखते सारे दिन में, ये ज्ञान सुनता है, ये ज्ञान सुनता है। सुनते हैं, जिसकी गति पड़ेगी बनाए अपने को। हम खाली अनुभव सुन सुन के खुश होते रहते हैं सबके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बात खत्म। तुमको हमने जज बनाया, मास्टर बनाया, तुम्हें हमने कहा है जबरदस्ती घर वालों को सुधारो, दिखाओ अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है। एक बंदे को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो नौकरी ज्वाइन करता है, पता नहीं तुम फ्री की सेवा क्यों देने में लगे हुए हो, चाहिए भी नहीं किसी को, जबरदस्ती बुढ़ियों को सड़क पार करवाए जा रहे हो, वही हालत है। जब बोला चर्च में पादरी ने कल अच्छा काम करना, अगले दिन लोग आए, चार दोस्त भी जाते थे, भाई कोई अच्छा काम किया? हाँ जी हमने किया, चारों बोल पड़े। क्या किया? बुढ़िया को रास्ता पार करवाया, चारों ने एक ही काम, बोला हाँ। फिर बुढ़िया खुश हो गई, बोले नहीं बहुत रोई। क्यों रोई? वो अपने रास्ते ठीक जा रही थी, हमने अपना निष्काम करने के चक्कर में एक ने एक सड़क, दूसरे ने दूसरी, तीसरे ने तीसरी, चौथे ने चार सड़क पार करा के उसको कहाँ 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 छोड़ा है, तो बुढ़िया बहुत रोई। तो तुम लोगों का वही हाल है, तुम्हें सड़क पार करानी है जबरदस्ती, चाहे अगला गलत हो ना हो, पर तुम सड़क पार करा दोगे उसको जबरदस्ती वाली, तुम मिटा दोगे उसको, झुका दोगे उसको जबरदस्ती। अगला गलत है सही या तेरा स्वभाव गलत है ये तो पता ही नहीं। अगर अगले को लगेगा कि वो गलत है, वो गुरु के पास आके अपनी बीमारी रखेगा ना कि मेरी ये बीमारी है गुरु आप सॉल्व करो इसको। पर अगले को नहीं है बीमारी या वो बीमार फील नहीं कर रहा, तो तुम सेट करो अपने आप को, तुम्हें इतनी बीमारी क्यों है अहंकार की, और तुम्हें किसने सर्टिफिकेट दिया कि तुम ठीक हो, अब तुम दूसरों को ठीक करो। कभी कभी क्लास में क्या होता था, जब पढ़ाई करते थे ना, टीचर कुछ लिख के देता था क्वेश्चंस वगैरह, भाई लिखो आंसर, जब वो हमारी शीट चेक करता था और देखता था क्लास टेस्ट है या कुछ भी सरप्राइज टेस्ट है, तुमने बहुत अच्छा किया, उसके बाद साइन करके हमारी शीट पे वेरी गुड देके कहता था अब तुम बाकी बच्चों का भी चेक करो। पर पहले अपनी शीट तो ठीक होती थी, तुमने गुरु से सर्टिफिकेट लिया, गुरु ने तुम्हें कह दिया यू आर 100% राइट, अब जाओ तुम सुधारो दूसरों को। अभी तो गुरु से तुमने अपनी पूरी लेन देन ही नहीं की है, गुरु को रोज का व्यवहार अपना आके बताओ। सोचो कभी कभी एक बात करते हो, पकड़े जाते हो, अगर तुम अपनी रोज की रिपोर्ट दो, तुम रोज चांटे खा के जाओ के नहीं यहां से? बने हुए ज्ञानी, बंद ज्ञानी, ओटा हुआ ज्ञान पकड़ेगा गुरु और खाल खींचेगा तुम्हारी। यहां पर बंद ज्ञानी नहीं चाहिए, बोलता ब्रह्म नहीं चाहिए। तुमको बीमारी लग गई है बोलता ब्रह्म बनने की, ब्रह्म की व्याख्या करें, बालाकी पंडित बन गए हो। ब्रह्म की व्याख्या से बात नहीं बनती है। जब ब्रह्म भाव में हमारी स्थिति होवे, हमारा निश्चय होवे,
हमारे अंदर झुकना होवे, मिटना होवे, अदब होवे, तहजीब होवे, प्यार करना आए, सेवा करनी आए, बात तो तब है। आज कोई भी व्यक्ति को जहां थोड़ी सेवा देनी पड़े, झुकना पड़े, हर कोई सामने वाले के ऐब निकाल के अपनी जान छुड़ा सकता है, मुश्किल थोड़ा है। जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं आप देखो, वो बुजुर्गों की शिकायत करके जान छुड़ा लेते हैं। मैंने तो कहा है भाई दूसरा ले जाए, मैंने तो कहा है बेटी ले जाए, हम भी क्या करें। बड़ा आसान है, चार शिकायतें करना और जान छुड़ा लेना। अरे अगले के स्वभाव के साथ एडजस्ट होना, प्यार करना, जबान को लगाम देना, क्योंकि आपका रोष जबान से बहुत निकलता है। कोई भी बात हो आपकी जबान खटखट खटखट चलने लगती है। क्यों चलती है इतनी ये जबान भाई? क्यों मौन नहीं आता है? क्यों प्यार से शांति से सेवा नहीं कर सकते हो? विचार तो ये बातें हैं ना करने वाली। उस दिन भी तुम्हें बताया, एक रेस्टोरेंट में एक बेटा अपने बाप को ले गया, बहुत बुजुर्ग था और वो खा भी नहीं पा रहा था ठीक से, कुछ खाया कुछ गिराया, कपड़े भी गंदे कर लिए, मुंह भी गंदा कर लिया, सब ऐसे घिन वाली दृष्टि से देख रहे थे कि बुढ़े को ले क्यों आया रेस्टोरेंट में। थोड़ी देर बाद वो अंदर ले गया उसको, मुंह हाथ भी धोया, कपड़े भी साफ किए, फिर प्यार से ले आया, वेटर को बिल दे के जाने लगा। लोगों ने एडमायर किया, एक ने बोला बेटा तुम कुछ छोड़ जा रहे हो पीछे। क्या छोड़ जा रहा हूं? बोला एक आस छोड़ जा रहे हो बुजुर्गों के लिए, एक सबक छोड़ जा रहे हो बच्चों के लिए। क्यों? जब तुम छोटे थे तुम्हें भी तो माँ बाप ले जाते थे, तुम कुछ खाते थे, कुछ गिराते थे। कितनी माएँ तो बेचारी वहीं रेस्टोरेंट में शादियों में देखो कपड़े बदल रही होती हैं साइड में बच्चों के, एक एक दो दो जोड़े फालतू ले जाती हैं, उनको पता है ये गंदे कर देंगे, साइड में ले जाके फिर साफ करके आती हैं, चेंज करके आती हैं। जब माँ बाप ने नफरत नहीं की तुम्हें क्यों नफरत आती है? तुम्हें क्यों घिन चढ़ती है? असल में ज्ञान के बाद अहंकार अगर मिटे ना, ना एक ज्ञानी होने का अहंकार और हो जाता है। अब मन किसी को सुन नहीं सकता, कोई टोक दे तो चिढ़ जाओगे, कोई थोड़ा तुम्हें अपनी मर्जी से चलाए तो चिढ़ जाओगे। कहाँ भगवत दृष्टि है, कहाँ भगवान का भाव है? कितना मिटे हो, आओ पहले अपना हिसाब दो, यहाँ पे हमारे पास बैठो, हमें हिसाब दो तुम मिटे कितने हो। तुम तो अहंकारी हो गए। मैं ज्ञानी, ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी की उपाधि भी जिनको आ गई ना वो अज्ञानियों से बदतर हो गए हैं। ज्ञानी की उपाधि तो और बेड़ा गर्क करती है। मैं ज्ञानी, ज्ञानी को अज्ञानी दिखेगा सारा दिन। जितने ज्ञानी हैं जितने कर्म वो बनाते हैं साधारण आदमी नहीं बनाता है। क्योंकि ज्ञानी तो सारा दिन अज्ञानी देखने में लगे हुए हैं, पूरा दिन एक ही मेहनत है, ढूंढ ढूंढ के अज्ञानी देखते हैं वो, ये भी अज्ञानी, ये भी अज्ञानी, ये भी। तो अहंकार चढ़ गया सिर तुम्हारे, अब तुम कुछ सह नहीं सकते। ज्ञानी एक बच्चे के कहने से भी चल सकता है। हम भगवान को देखते थे कोई काम मर्जी से करते ही नहीं थे, सत्संग के बाद भी उठना होता था ना, जो लोग साथ रहते थे या लड़कियों में से कोई, भगवान उठिए, अच्छा चलें, तब उठते थे, बैठे रहते थे वहीं बच्चों की न्याय, कमरे में बैठे हैं, कभी कभी तो सत्संग का टाइम हो गया टीवी ऑन करके ऐसे बैठे रहते थे, कोई चलिए सत्संग सब इंतजार करें, अच्छा चलें, फटाफट टीवी बंद किया, बच्चे की तरह खड़े हो गए उठ के। ज्ञानी तो एक बच्चे के कहने से भी चल सकता है। मर्जी से कभी कुछ पहन लेते थे कोई, भगवान आज ही अच्छा नहीं लग रहा, क्या पहन लिया, अच्छा उतार दूं, उतार के रख छोड़ते थे। इतना क्लोजली हमने ये चीजें देखी, हमेशा समर्पण भाव में ही रहे, कभी अपनी चलाते ही नहीं थे कि मुझे अपनी चलानी है, बल्कि अपने आप को सबके अकॉर्डिंग चला दिया।
सबको कभी बुला लेते थे दिन में, आ जाओ बैठे, एक दो घंटे बैठ लिए, फिर हम बोलते थे अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, है ना, हम जाएं, अपने आप कहना पड़ता था, नहीं बैठे रहो, कहना पड़ता था हम जाएं अब आप रेस्ट कर लीजिए, फटाफट तकिया सीधा करके लेटने लग जाते थे, हम लोग निकल आते थे बाहर। फिर इतनी सरलता देखी है तुम्हारे अंदर, इतनी सरलता है कहाँ है? है ही नहीं सरलता। तुम तो ज्ञानी बन गए, बजाय तुम किसी के अंडर चल पाओ, तुम्हारा अहंकार कहता है मैं सबको चलाऊं लाइन में लगा के, वश नहीं चलता, स्कूल की टीचर की तरह बन जाओ, सबको घर में मुर्गा बना के खड़ा कर दो तुम तो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो गए। तुम्हारा ज्ञान घर वालों के लिए मुसीबत तो नहीं हो रहा है? सारा दिन ज्ञान की शिलाएं तो नहीं फेंकते हो दूसरों पर? बॉम्बार्डिंग चलती है सारा दिन, ये मारा ज्ञान का बम, ये मारा ज्ञान का तीर, चलो भैया सारा दिन ज्ञान की बकबक करते रहो। ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारी इच्छा है, ऐसे किया तुमने, हमारे गुरुजी ये बताते हैं, गुरुजी ने तुझे ही कुछ नहीं बताया, बाकी सबको बताया, तुम्हें कुछ बताया गुरुजी ने कि तू अपना मन मोड़, अपना अहंकार गवा, तू झुक जा सबके आगे? ज्ञानी तो अज्ञानी के आगे भी झुक जाता है, उसमें क्या है? अज्ञानी भी चलाना चाहे ना, ज्ञानी उसके कहने से भी चल जाता है, कौन बड़ी बात है? जब अहंकार है ही नहीं तो परेशानी ही नहीं होती, पर जब अहंकार भरा हुआ है तो बहुत परेशानी होती है। मन सारा समय दूसरों को ऑब्जर्व करता रहता है। क्यों ऑब्जर्व करते हो? क्या ऑब्जर्व करते हो? सामने तो एक भगवान देख के दृष्टि सीधी अंदर डालनी है अपने, सीधा एक भगवान देखना है सबको बस, बाकी अपने अंदर के कलेश को देखो, क्यों है मेरे अंदर कलेश, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों नहीं बदल रहा हूं, मुझे किसी के स्वभाव से उलझन क्यों हो रही है? चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। जो अपने आप को बदलेगा उसके लिए दुनिया बदल जाएगी, पर जो अपने को बदलने की हिम्मत नहीं रखता, कमजोर है, वो दूसरों को बदलने की मेहनत करता रहता है। बदलना तो अपने को है, तुम मुड़ जाओ ना, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? सोचो, कभी विचार करो, हमें किसी का टोकना बुरा क्यों लगता है? हमें किसी के कहने में चलने में दिक्कत क्यों होती है? क्या ये हमारी ईगो नहीं है? हम अगले को ईगो जन्माना चाहते हैं पर अपनी ईगो नहीं समझ में आती ना। तुम किसके अंडर मरे हो बताओ जरा, तुम अपने से इतना ही पूछ लो, गुरु के अंडर भी कितना मरे हो तुम? फिर कहीं तो भगवान प्रकट होगा, तुम्हारी मैं को मिटाएगा, वहीं भगवान देखो और मुड़ जाओ। पर मन कहेगा नहीं, मैं तो हमेशा ठीक हूं, दूसरे लोग गलत हैं, उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसे तो चलें, ऐसे तो ना चलें। ये झगड़ा किसके अंदर है? जिसके अंदर द्वैत है। अद्वैती का झगड़ा है किसी से? किससे झगड़ा है? एक बार एक लड़की को किसी ने टोक दिया, जैसे बड़े लोग होते हैं गुरु के इर्द गिर्द भी, टोक दिया, दंदनाती हुई गुरु जी के कमरे में गई, फलानी हमको ऐसे बोल रही हैं। गुरु जी ने कहा तो क्या हुआ बोल रही है? तो वो कौन होती हैं कहने वाली? आप कहिए ठीक है सुन लेंगे। वो कौन होती हैं? बड़े मजे से कुछ खा रहे थे, खाते खाते बोलते हैं अरे वो भगवान होती हैं। चुप हो गई एक मिनट में, सीधा बोले, बोले वो कौन होती हैं? क्या भगवान होती हैं? वो यही तो हम सिखा रहे हैं तुम्हें हर टाइम, और कोई नहीं है, भगवान है। अब जवाब दो आगे से। बड़ी बुरी तरह सक पक आ गई, सीधी बात बोली उन्होंने, बोले वो भगवान है और कौन है? कौन होते हैं? भगवान होते हैं वो,
जाओ देखो भगवान वहां पे। तुम्हारा ये जो इतना सूक्ष्म में पड़ा देह अध्यास है, ये कैसे चिरेगा मुझे बताओ ना। भगवान किसी किसी घट में आ जाता है, तुम्हें मान जाता है, जरा परीक्षा ले जाता है आके, खाल खींच जाता है तुम्हारी, क्या दिक्कत है उसमें? स्वागत करो, आए हो भगवान, अच्छी बात है, और मारो मेरी मैं को, और मिटाओ मेरा देह अध्यास, अच्छी बात है। तुमने अपना रट्टा लगा लिया ज्ञान का, तोते बन गए हो सब, जहां कोई मिल जाए, जहां कोई बैठ जाए, अपना दे दनादन ज्ञान सुना देते हो। मिटे तो कहीं नहीं ना, जहां तुम्हें मिटना पड़ा वहां तुमने ज्ञान बकना शुरू कर दिया। होशियार हो, घर वालों को भी चार दिन ले आते हैं सत्संग, वो बेचारे ज्ञान सुन के फंस जाते हैं, फिर उनको देखो तुम सत्संग जाते हो ना, तुम्हारी मैं मिटी, ये तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारी इच्छा, ये तुम्हारी ममता, ये तुम्हारी वासना, चलो भाई। इतना तो गुरु ने भी नहीं टोका होगा कभी किसी को, कभी तुम ये भी देखा करो, कभी गुरु भी नहीं बोलता ऐसे जितना ज्ञान तुम लोग बोलते। कितना ज्ञान बोलते, तुम्हारी गाड़ी में ही कोई साथ बैठ जाए तो ज्ञान इतना बोलते हो, इतना बोलते हो। एक बार किसी को भेजा मैंने किसी के साथ कहीं सत्संग करने, बोले रास्ते भर तो अगले ने इतना ज्ञान बोला, प्रकृति देखो, हवा देखो, पता नहीं क्या क्या बोले, दिमाग ही खाली कर दिया रास्ते में ज्ञान बोल बोल के। उसको लगा मेरे तक मैसेज आएगा कि अगला बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान में ही वृत्ति रखे बैठा। तो ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव या ब्रह्मज्ञानी का ऐसा स्वभाव कि दूसरे ही दुखी हो जाएं। दादा तो मौन चलता था। एक बार ये सब लोग थे, दादाजी, लक्ष्मी भगवान, गीता भगवान, माता, 6 के 8 घंटे सफर किया ट्रेन में, सारे चुप। बाद में किसी ने बोला दादा आपने पूरे रास्ते बात ही नहीं की, बोले बोलने की जरूरत क्या थी। सारे ऐसे बैठे थे ज्ञानी, सब अपने अपने निश्चय में परिपक्व, ज्ञान भी बक्के, क्या करना है अब। मैं भी मौन में था, वो भी सारे मौन में थे। भगवान बोले हम भी साथ थे, हम चारों का मुंह देखें, कोई तो कुछ बोलेगा। बोले कोई भी कुछ नहीं बोला, सारे ऐसे जड़ पत्थर होके बैठे रहे, हिलते डुलते लोग वैसे ही कम थे, बहुत अभ्यास था इन लोगों का ना एक उसमें बैठने का। माता भगवान आते थे, हम देखते थे वो घंटा सवा घंटा एक टांग सीधी, दूसरी टांग ऐसे खड़ी, उस पे हाथ रख के एक एक घंटा बैठे रहते थे सत्संग में सहज। इन लोगों को अभ्यास था बहुत। तो बोले सारे के सारे ऐसे आराम से बैठे, स्थिर, जैसे भगवान की कोई मूर्त बना के रख दी, ना एक शब्द का आदान प्रदान। तुम अब 6 घंटे 8 घंटे बैठो, एक शब्द का भी लेन देन ना हो, सोच सकते हो। इतना गहरा मौन, जो भीतर का मौन था, कोई किसी को टोक नहीं रहा, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा। यहां तक के जिस दिन लक्ष्मी भगवान की बेटी की भी डेथ हुई, गीता भगवान आए रात को 11 बजे वहां से, तो दरवाजा खोला गया, दादा और लक्ष्मी भगवान जग ही रहे थे, तो उन्होंने आके बोला भाई वो शांत हो गई है, बस खत्म हो गई बात, किसी ने अच्छा भी ना किया, बत्तियां बुझाई और सो गए। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, उस घर में आवाज ही नहीं होती थी। लक्ष्मी भगवान के भाई आए थे लड़ने एक बार कि बेटी कुआरी बैठी है, तुम कुछ सोचती नहीं हो, सत्संग में लगी हो, दादाजी को भी इतना उल्टा सीधा बोला भाई। सारे यूं बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, वो 1.5 घंटा बोल बोल के चले गए। उनके जाते ही दादा बोलते हैं खाना लगाओ, खाएं, खत्म, कोई चर्चा ना हुई उसके बाद। वो लोग आए, क्यों आए, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब जब है ही अज्ञान तो चर्चा क्या करनी। सुनी हुई है ना बातें सारी, तुम्हारे कानों से गुजरी हुई हैं। तुम जरा आज हिसाब दो इस मुकाबले तुम्हारा मौन कितने डिग्री है, कितने परसेंट मौन है इस मुकाबले, बताओ तुम। जहां इतना जगत का अभाव है और तुम्हारे अंदर कितनी कुड़ चलती है, ना भीतर का मौन है ना बाहर का मौन है,
शोर ही शोर है तुम लोगों का। पहले अज्ञान बकते थे, अब ज्ञान बकते, चलता वही रहता है, कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले सारी जिंदगी लग गई अज्ञान बोलने में, बाकी का बचन वो चल रहा है, बचा हुआ जीवन वो ज्ञान बोलने में जा रहा है। मन खुश है, मैं तो अपनी ज्ञान की बात करता हूं। ज्ञान अपने से लगाया जाता। आज हम लोग भी घर में रहते हैं, ये नहीं कि कोई पानी के गिलास मांग ले तो बोले आपने सत्संग में सुना नहीं, अपनी सेवा खुद करो। उल्टा हम बैठे हो, कोई उठ रहा होता है तो हम कहते हैं नहीं रुकिए, हम लेके आ रहे हैं, हम लाके दे रहे हैं पानी, हम बर्तन रख के आ रहे हैं आपके। अकल होती है कोई या ज्ञान के तीर चलते हैं सारा दिन? कोई पानी की लाश मांग ले उसको ये कहेंगे? सुना नहीं अपनी सेवा खुद करो, पानी क्यों मांगा मेरे से? कॉमन सेंस की बात है, तुम पी रहे हो, सामने वाले को पिलाओ, उठ के पूछ लो पानी ले आए आपके लिए, और तुम लग जाते हो ज्ञान सुनाने सबको। आज कोई चीज लेके आए घर में, किसी को अच्छी लग गई, वो कहते मेरे लिए भी ले आते, बोलो हाँ जी कल लाएंगे ना, जरूर लेके आएंगे। नाराज हो जाए, अरे तुम तो अपनी चीज ले आए मेरे लिए नहीं ले आए, बोले ये आप रख लो, कल और आ जाएगी, उसमें क्या, एक दिन में कितना इस्तेमाल कर लेना, आप रख लीजिए कल और ले आएंगे। दिल भी तो बड़ी होवे ना, तुम्हारी दिल बड़ी है ना तुम्हारे दिमाग काम करते हैं, सुनते हो चेतन होने का ज्ञान और अभी तक जड़ पड़ी है बुद्धि। किस दिन चेतन होगे? ज्ञान है चेतन होने का, ज्ञानी चेतन है, जड़ नहीं है, जड़ व्यवहार नहीं करता, बहुत चेतन है वो, सबको उसके अकॉर्डिंग खुश करना जानता है वो। क्या हो गया फिर? ये अच्छी चीज है मैं इस्तेमाल करूं, अरे अच्छी चीज है तुम इस्तेमाल करो, क्या हो गया? कल भी किसी ने बोला अरे आप इतनी अच्छी चीज मुझे दे दोगे, मैंने कहा तू इधर भी अच्छी लगनी है इधर भी अच्छी लगनी है, तुम ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितना खा लेंगे, कितना पहन लेंगे, क्या कर लेंगे? अच्छा है मिलजुल के इस्तेमाल हो जाएगा, अच्छी है तो चलो एक अच्छी चीज तुम भी ले लो। तुम बोलोगे नहीं अच्छी है तो मेरे लिए होनी चाहिए, अच्छी दूसरे को भी तो दे सकते हैं। अच्छा खाना बनाते हो तो चाहते हो सब खा के जाएं, अच्छा खाना बनाओ और बच जाए कितना बुरा लगता है। पर पता नहीं ये जड़ पदार्थ और ये सब इनमें क्यों आ सकती है? एक दिन भगवान को एक ने बोला आज आपने साड़ी पहनी थी बहुत अच्छी लग रही थी, अंदर गए चेंज कराए साड़ी लपेट के उसको दे दी, बोला ले जा तेरे को अच्छी लग रही है ना ले जा तुम पहनना खुश होना। इतना बड़ा दिल, जब ये बड़ा वो नहीं करते थे ना, भीड़ कम थी तो ऐसा फंक्शंस भी नहीं होते थे बड़े बड़े और खाने वाने भी नहीं होते थे, तब तो ज्ञान भी ये चलता था सब देने एक समान ज्यादातर। तो जब बाद में बैठते थे ना सत्संग के, भगवान बोलते थे अंदर जितना ड्राई फ्रूट है सारा ले आओ, जो अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं सब ले आओ, सबको खिलाओ। तुमने नहीं देखा होगा भगवान ऐसे करके दो दो हाथों से ऐसे ड्राई फ्रूट हम लोगों को बांटा करते थे, खाओ सब बच्चे खाओ। ज्ञानी को कोई अपनी मैं होती है, मेरा होता है। ज्ञानी कभी ये सोचता है अच्छी चीज है तो मेरे लिए, अरे अच्छी है तो सबके लिए। एक बार खाली कहा था, एक वो चेयर मंगाई थी कोई, हमने कह दिया इनका बड़ी अच्छी है ये चेयर, अब रोज हम कमरे में जाएं कोई भी बैठा हो कहते थे खाली कर दो इसको बैठने दो, इसको ये चेयर ना बहुत अच्छी लगी है बैठ जाए इस पे। इतनी छोटी सी बात का भी गुरु ध्यान रख सकता है? तुम्हारी घर में क्या स्थिति है मुझे ये समझाओ, किसको मान दिया है? गुरु ने तो हम जैसे बच्चों को भी मान दिया, अज्ञान में थे हालांकि, अज्ञानियों को भी मान दिया। रिश्ता तो कोई नहीं था हमारा उनसे, प्यार था सिर्फ एक, उस प्यार को भी उन्होंने इतने प्यार से निभाया
तुमने किसको प्यार किया है घर में? तुम्हें कोई कह दे तुम्हारी चूड़ी अच्छी लग रही है, उतार के दे दो, बोलो लो दो दिन पहन ले। गरीब में ही तो हो सब आपस में। तुम कहोगे हाँ इसको दे दूं, खराब कर देगी। कोई साड़ी मांगने आ जाए देवरानी जेठानी, साड़ी दे दो, फंक्शन में जाना है, मेरी तो कोई इतनी अच्छी है नहीं, देख तू फलानी पहने तो तेरे को जचेगी नहीं, फलानी फ्लफी लगेगी, फलानी में तू ऐसी, कोशिश करोगे मेरे कमरे से तो दफा होए बिना लिए, है नहीं है कंजूसी का स्वभाव, बता दो। हम कहते हैं तुम चार समोसे भी लेके गए हो ना, और घर में छह लोग, वो बीच में रख दो, बोलो आओ सब थोड़ा थोड़ा खाएं। जबान का रस्सी तो है जरा सा, क्या हो जाएगा? तुमने एक पूरा खा लिया, दो पूरा खा लिया, क्या हो जाएगा? अगर तुमने ये व्यवहार नहीं सीखा है ना, फिर लानत है तुम्हारे ऊपर। कभी कोई चीज ही खाते हो, किसी को पता है घर में पसंद है, ले जाओ उसके लिए पैक करा के, बोलो हमने खाई थी, लगा आपके लिए ले जाएं। हम लोग तो आज दिन तक करते हैं, पहले तो बाहर का कोई खाता ही नहीं है, मन भी कर जाए किसी का घर ही उठा लाता है, मन था ये चीज खाने का, लगा सब खा लेते हैं। इत्तफाक किसी दिन घर हो तो, वैसे तो हम लोग घर ही नहीं होते, इत्तफाक किस दिन शाम को घर हो, कोई भी उठ के जाता है, कोई वॉक करने गया, किसी को खाने का कुछ मन हुआ, और कुछ नहीं एक दूसरे के सदके ले आते, लगा सब खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, सारा टाइम तो दूसरों की पसंद का खाते हैं, चलो आज अपनी पसंद का खा लें। घटता है कुछ इन चीजों में, मुझे तो नहीं समझ में आती हैं बातें। उल्टा हमें ध्यान रखना आना चाहिए, प्यार कैसे बना रहे, एकत्व कैसे बना रहे, एक दूसरे के लिए खुशी कैसे बनी रहे, क्या फर्क पड़ता है, कर दो वैसा काम। बल्कि किसी को कहना ना पड़े, हम पहले से सतर्क रहें। पता तो होता ही है, अपने घर में भी पता होता है किसी को क्या पसंद है, तो जाओ तो लेते आओ अगले के लिए, आपके लिए चीज लाए, अगला खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, प्यार बढ़ेगा उसका। तुम अगर किसी का ध्यान रखोगे, कोई तुम्हारा ध्यान रखेगा। प्यार में अफेक्शन ना हो, केयर ना हो, प्यार थोड़ी कहलाता है। सोच के देखो ना, प्यार है तो ऑटोमेटिकली केयर होने लगती है अगले की, अपने आप ही हो जाता है। प्यार है तो केयर है, अच्छा लगता है, अपने प्यारे के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। तो अगर सब में भगवान देखो, सबको प्यार करो, तो तुम अपने घर में भी तो स्वर्ग बना सकते हो, पलट सकते हो। देखो तुम एक एक्सपीरियंस की बात, और दो दोस्त होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं दो दोस्तों का स्वभाव मिलता है तो वो दोस्त होते हैं, लेकिन जहां डिफरेंस है ना उनके स्वभाव में, उस पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, दोस्ती निपती रहती है। सोचो यही होता है कि नहीं होता? कहीं पर भी प्यार है हमारा, जरूरी तो नहीं ना नेचर हमारे एक से होंगे, लेकिन उस डिफरेंस के प्रति हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा अच्छा होता है, तो हम कहते हैं हम दोस्त हैं। अब किसको दोस्त बनाना मुश्किल है तुम बता दो। पूछते हैं सब, आप लोग सबको प्यार कैसे कर लेते हो, इतनी नेचर के लोग आते हैं, तो अगले के और हमारे नेचर में जहां डिफरेंस है वहां हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, बन गई बात, बात बन जाती है। कभी कभी दो दोस्तों को देखो, स्वभाव पसंद अलग भी होते हैं, उसके बावजूद प्यार होता है। क्या है? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जहां डिफरेंस है वहां अंडरस्टैंडिंग का लेवल हाई है, बस प्यार बना रहता है। और जहां लोगों का प्यार टूटता है, अब नेचर तो सच में एक से नहीं हो सकते, लेकिन समझना नहीं चाहते, डिफरेंस वाले पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस झगड़ा हो गया। डिफरेंस तो रहते हैं, हर जगह रहते हैं,
ये तो हो ही नहीं सकता ना कि एक सा होगा कोई। भगवान ने शक्लें अलग, अकलें अलग, स्वभाव अलग, सब अलग अलग बना डाले, पर एक हमें युक्ति दे दी है उसने अंडरस्टैंडिंग लेवल की, एक ब्रिज बना दिया बीच में, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उससे बात बन जाती है। तो क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हम सबको, उसकी जगह खड़े होके उसको अंडरस्टैंड कर लो। अच्छा, कभी अंडरस्टैंड कर लेते हो तो कॉम्प्रोमाइज करना इजी हो जाता है, जब हम समझ रहे हैं किसी को। आज मान लो किसी व्यक्ति को क्रोध ही आ रहा है, पर हम ये समझ रहे हैं शरीर से तंग है, ऐसा है वैसा है, समझो कोई भी बात अंदर आ गई, अंडरस्टैंड कर गए उसकी सिचुएशन। अभी बच्चा होता है ना, बीमारी से उठता है चिड़चिड़ा, तो परेशान नहीं होते, ये चिड़चिड़ा हो रहा है ना, बीमार होके उठा है ना, मतलब जब आप अंडरस्टैंड कर गए तो आपको उससे उलझन नहीं होती, अब तरस आता है, प्यार करने को मन करता है। तो अगर आप जीवन में ये अपना लो बात अंडरस्टैंडिंग वाली, आपका सबसे प्यार हो जाएगा। अपने साथ जो मेहनत करनी है ना, वो आप दूसरों से करवाना चाहते हो। स्कूल की कॉपी अगर बच्चा मम्मी से बनवा ले जाए, समझो छोटे होते हैं ना, टीचर कहता है डायग्राम बनाना, चार्ट्स बनाना, छुट्टियों के होमवर्क में मिलते थे, मम्मी ये आप बना दो, पापा ये आप बना दो, बड़े भाई बहन है आप, आजकल तो मॉडल बने बनाए मिलते हैं, चार्ट बने बनाए मिलते हैं, बनवा तो लिए। जिसने दूसरे से मेहनत करवा ली, एग्जाम में क्या करेगा, फंस जाएगा। चार बार मिटाता, चार बार बनाता तो आखिर बनाना आ जाता। लिखने का काम फिर भी आसान लगता है, डायग्राम बनाने औखे लगते हैं। कोई बना दे, बना तो देगा। अब आप भी अपने हिस्से की मेहनत दूसरों से करवा लेना चाहते हो, ये मेरा फलाना काम कर दे, ये मेरा फलाना काम कर दे, कर तो देंगे, लेकिन फिर आपका स्वभाव तो वहीं रह जाएगा। हम कहते हैं ज्ञान का उपदेश करके भी चार लोगों को मोड़ लो, चलो मान लिया तुमने मोड़ लिया, ठीक है, उनके मुड़ जाने पर भी तुझे क्या मिला, तेरा अहंकार वहीं का वहीं, तेरा स्वभाव वहीं का वहीं, तुम तो आनंद के अधिकारी नहीं बन पाओगे। मुड़ना आसान है दूसरों को, लेकिन उसमें खता खाते हैं हम खुद। बजाय हम दूसरों को मोड़ें, दूसरों को सिखाएं, दूसरों को सुनाएं, हम अपने आप को क्यों ना मोड़ें। गुरु ने क्या सिखाया, मन मोड़िंदुआ हथ जोड़िंदुआ सतगुरु जे दरबार में, सिर को पांव तो तुम्हें बनाना है। आज हम तुम्हें किसी बात के लिए कह दें तो तुम खुश हो जाओगे, आपने मेरी कोई चीज स्वीकार तो करी, तो कोई और भी कह दे खुश हो जाओ, भगवान शुक्र है मेरी चीज किसी काम तो आई। हम तो सबको बोलते रहते हैं यूज कर लो यूज कर लो, अच्छा लगता है दूसरा यूज करे, खुशी होती है, तुम पता नहीं क्यों सड़ते हो, उल्टा खुद तो देख भी नहीं पा रहे हम। अभी सूट पहना है अपने को, ऐसे ऐसे देखें कितनी बार, शीशे के आगे जाएं कितनी बार, तुम पहनोगे तो देख के सुंदर लगेगा, देखेंगे वहां मेरी चॉइस तुम्हारे पे फब रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं दिल से दुआएं, आशीर्वाद, प्यार, पॉजिटिविटी क्यों नहीं निकलती तुम लोगों के, कौन से गटर से कनेक्शन किए बैठे हो, गंदी निकलता है अंदर से। और ज्ञानी को देखो, सारे दिन उसके अंदर से सुहानी चीजें निकल रही, एक एक को बैठा बैठा दिल से दुआएं देता रहता है, एक एक को बैठा बैठा प्यार करता रहता है, एक एक को देख के ठंडा होता रहता है, खुश होता है। फिर तुम्हें दिल सड़ता क्यों रहता है, सारा दिन खुशी होती है, आके सब बताते। अभी
फलाने बच्चे ने वहां सत्संग किया, ऐसा किया, दिल खुश होता है और दुआएं निकलती हैं। सही बात है, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, खिल जाए एक एक व्यक्ति, अच्छी बात है। आज ही सुबह किसी ने बोला फलाना सत्संग करता है, सुना होगा किसी दिन किसी लड़की का, तो ऐसे लगता है वो बात करते करते कितना डीप चला जाता है अगला, खुशी हुई सुन के, अच्छा लगा कि अगले ने इतना अपने आप को बनाया है कि उसको कोई सुन के खुश हो रहा है, किसी को उसकी गहराई समझ में आ पा रही है, उसके ज्ञान की डेप्थ समझ आ रही है, कितना खुश होना चाहिए। हर समय बैठे खुश होते रहो, निहाल होते रहो, और फिर जब खुश होते हैं तो ध्यान कहाँ चला जाता है, अपने भगवान की तरफ चला जाता है, फिर मन उनकी महिमा देख देख के अघाने लगता है, कैसी कृपा बरसा रहे हो, कैसे छुप छुप के काम कर रहे हो, कैसे एक एक को अपनी छाया तले स्थान दिया हुआ है, तो अपनी भक्ति बढ़ने लगती है। क्यों नहीं अच्छी अच्छी बात सोचते हो, सारा दिन नेगेटिव एनर्जी क्यों है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी में रहो, नेगेटिविटी में क्यों रहना है। दुआएं दो, प्यार दो, आशीर्वाद दो, जब तेरे दिल से प्यार और आशीर्वाद के संकल्प सारी दुनिया के लिए निकलें, ये है तुम्हारा लव ऑल अलाइक। सारी दुनिया को प्यार और आशीर्वाद देते जाओ, आशीषें देते जाओ, क्यों, जब तुम आशीषें दोगे तो गुरु तुम्हें दिल से आशीष देगा, तुम सबको देख के खुश होगे, गुरु तुम्हें देख के खुश होगा। एक टहनी पे अगर चार छह सेब इकट्ठे लगे हों, बनाना का बंच लगता है इकट्ठा इतना बड़ा, कितने खुश होते हो देख के। जब तुम भी सबको साथ लेके प्यार करके चलोगे, मेरी जगह क्या तेरी जगह क्या, मैं प्रगट होता ये क्यों, अरे सब जगह प्रगट तो वो एक है, मुख अलग अलग है, क्या हो गया फिर। गुरुद्वारे जाओ, छह टूटियां लगी, कहीं से भी पानी पी लो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, ये भी गुरु का रूप हो गया, ये भी गुरु का रूप हो गया, वाह गुरु तुम कितनों को आप समान करते जा रहे हो, खुश हो जाओ, देख देख के निहाल होते जाओ, तुम परेशान हो जाओगे, अच्छा अब ये भी होशियार हो गया, तो होशियार होने तो आया था, बुद्धू रहने आया था कोई, वो होशियार होने आया था, ये क्या कहना अब ये भी होशियार हो गया, आया ही होशियार होने था, अच्छा अब ये भी बड़ा हो गया, बड़े तो सारे ही हैं, क्यों भगवान का रूप है, बड़े तो हैं, अब बड़ा क्या हो गया, और छोटा थोड़ी पड़ा रहेगा। अब जो छोटे पड़े रहते हैं, जड़ पड़े रहते हैं, उनसे भी शिकायत करते हो, वहां 15 साल से बैठा है कुछ ना किया, जो होशियार हो जाता, अच्छा अभी इतना तेज हो गया, अच्छा अभी अकेला सत्संग कराता है, अच्छा अभी इतने बड़े बड़े काम कर लेता है, हाँ गुरु बैठा है उसके घट में, करेगा कैसे नहीं, जब करवाने पे आएगा भगवान तो कुछ भी कराएगा ना, ये कैसे भूल सकते हो। वो चाहे तो तख्त बिठाए और वो चाहे तो भीख मंगाए, अब ये साहिब की मर्जी है, कौन सवाल करेगा, तुमने इसको तख्त पे क्यों बिठाया, बिठा दिया, आज मौज आ गई, राजा को मौज आ जाती है, हीरों का हार भी उतार के दे देता है, गुस्सा आ जाता है तो कहता है इसको हाथी नीचे को चल दो, मौज है, हाथी के पांव तले भी राजा को चलवाता है और मोतियों की माला भी राजा देता है, तो ये तो भगवान की मर्जी है, गुरु की मौज है, वो एक एक को ऐसा गढ़ता है कि अपने जैसा बना डालता है, अपने जैसा मुझे बनाया, धन्य गुरु की प्रीत, गाओ खुशी के गीत। अगर एक डाल पे भी तुम्हारे वो घर में लगाते हो ना कुछ, वो टमाटर भिंडी भी निकल आए ना इतनी सी, कितने खुश होते, इतना सा टमाटर गोल जरा सा है, टमाटर निकल आए,
भिंडी निकल आई, यहां भी खुश हो ना, सबके अंदर की कलाएं निकल आई, सब भगवान के रूप हो गए, सबका जीवन सफल हो गया, सबको निश्चय हो गया, जो बात करता है गहरा अनुभव निकलता है उसके अंदर से, वाह भाई। फिर याद किसकी आती है, फिर सतगुरु को प्रणाम है जिसने एक एक को ऐसा बनाया। अवतार सारे आए होके चले गए, राम राम ना बना गया, कृष्ण कृष्ण ना बना गया, है ना, लेकिन यहां गुरु की कितनी मेहनत है, कितने जीवन अपने जैसे खिला दिए, कितने जीवन अपने जैसे बना दिए, कितनों के अंदर अपने आप को समा दिया उसने, किसी के तन में, किसी के मन में, किसी के कंठ में, किसी की नजरों में समाया बैठा है ना। तो ऐसे साहेब को तो बार बार नमस्कार है। भगवान कहते थे अगर हाथी से दोस्ती रखो, वो राजा से, घर का गेट बड़ा रखो। क्यों राजा से दोस्ती करो, गेट क्यों बड़ा रखो? राजा आएगा हाथी पे, अगर राजा का हाथी एंटर नहीं कर पाया तो राजा तुम्हारे घर नहीं आएगा, गेट बड़ा रखो। भगवान से दोस्ती करो, दिल बहुत बड़ा रखो, भगवान अकेला आएगा ही नहीं। अभी कितने लोग बोलते हैं आप आ जाओ, मैंने कहा मेरा क्या करोगे, संगत आएगी साथ तो भजन भाव होएगा, मैं आके क्या करूं, कुछ लोग तो आएंगे भजन भाव करेंगे, कोई ज्ञान की बात करेंगे, कोई सिमरन करेंगे, भगवान अकेला आता ही नहीं। सूरदास जैसे अकेला नहीं आता, भगवान भी अकेला नहीं आता, सुख भी अकेले नहीं आते। एक आदमी ने फोन किया पत्नी को दफ्तर से, मेरा एक सूरदास मित्र खाने पे आएगा। घर आए तो सूरदास के साथ एक आदमी और आया था, उसने पत्नी से पूछा खाना कितना बनाया, कहती चार लोगों का, हम तो तीन होते ना, एक मेरा सूरदास मित्र, दो हम, चार का क्यों बनाया? मैं जानती हूं सूरदास अकेला नहीं आएगा, तो ये तैयारी रखो, भगवान घट में आएगा तो अकेला नहीं आएगा, उसकी सारी सृष्टि को प्यार करना पड़ेगा। सुख भी आएगा, अकेला नहीं आएगा, दुख पीछे चला आ रहा है, भाई हैं, आएंगे साथ ही आते हैं दोनों, संपदा और आपदा दोनों सगी बहने हैं, जहां संपदा होती है आपदा वहीं आती है, अनुभव करो। तो भगवान भी अकेला नहीं आएगा, वैसे भी अब कोई तुम्हारे बच्चे को इग्नोर करे और तुम्हें प्यार करे तुम्हें अच्छा लगेगा? कोई भी नहीं सहता अपने बच्चे की बेइज्जती, तो भगवान अपने बच्चों की बेइज्जती सह जाएगा? वो कहता है मेरे से प्यार करना है तो मेरी सारी खलकत को प्यार करो, ये सारे मेरे हैं, सबको प्यार करो, सबके दिल की दुआएं जीतो, खुश रहना सीखो, खुश करना सीखो। रोज अपने से पूछो तुमने आज घर में किसी को खुशी दी, प्यार दिया, आनंद दिया? और ये ज्ञान बोलना तो बिल्कुल बंद करो, जो जबान तेज हो गई है ना तुम्हारी छुरी, बंद करके रखो इसको अंदर कहीं, ज्ञान बोलना बिल्कुल बंद है, नॉर्मल नेचुरल रहो। सारा दिन दिमाग में भूसा भरा हुआ है ज्ञान का, कोई मिले सही ज्ञान बोले, तगड़े तगड़े ज्ञान के दो चार तीर छोड़ें, क्यों भाई? ज्ञान सिर्फ तेरे लिए, बाकी मौन करो और प्यार करो, खुशी बांटो सबको, ज्ञान का मिसयूज है ये। अगर हम सारा दिन दूसरों को ऐसे ज्ञान के ताने मारते हैं, बातें बोलते हैं, ये ज्ञान का मिसयूज है। ज्ञान से अपने को बनाओ, और ये कभी मत बोलो ये ज्ञान सुनता है फिर ऐसे क्यों करता है, तुम्हें ये देखना ही नहीं है। बस तुम अपने से पूछो मैं ज्ञान सुनता हूं मुझे ऐसा लग क्यों रहा है, पलटा खाओ, फेरो खाओ, तुम फेरा खाने आए हो, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि पलटा ना था,
पलटोगे नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तेरा मन भी अड़ा क्यों, फिर सड़ा क्यों, जला क्यों, पलटाना था। अगर अपने को पलट लेते तो तुम्हें भी ये तीन स्थितियां ना सहनी पड़ती। सड़ते कुड़ते हो, जलते हो, अड़ते हो, क्यों पलटते नहीं हो? आज से तुम पलट जाओ, बालकवत अपनी स्थिति बनाओ, छोटे बच्चे की न्याय, सबको बड़ा कर दियो, खुद छोटे हो जाओ, फिर बात बनेगी, नहीं तो नहीं।